जितने भी धाराएं हैं उसमें अलग अलग धाराएं में जो है लगभग 3 साल से लेकर के 5 साल तक सजा हो सकता है। यहाँ क्या मतलब कानूनी तौर पर ये कहाँ तक सही है बिहार को बंद कर? 3 से 3.5 महीना के अंदर में आपको जमानत मनीष कश्यप का हो जाएगा। रोड पर टायर जलाना, रोड बंद करना, वो आप नहीं कर सकते। और प्रोटेक्शन ला करके हर केस में लगा दे रही है तो जो है मनीष कश्यप को ज्यादा दिन जेल में रहना पड़ सकता है। रिमांड वापस करते समय उसका जो है अभियुक्त का जो है मेडिकल होता है, न्यायालय द्वारा उसको जो है पूछा जाता है कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ कि नहीं। तो क्या तमिलनाडु वाला पुलिस भी इनको ले जा सकती है? न्यायालय द्वारा ही कार्रवाई होता है उसमें। तमिलनाडु पुलिस ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस से मांगा कि मनीष कश्यप को हमको आप दे दीजिए और लेके तमिलनाडु चला गया। शर्त लगाता है, उस शर्त के अनुकूल जो है लेकर के तमिलनाडु पुलिस जाएगी और समय के अनुकूल ही वापस फिर कर रहे हैं। जो लोग सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं उन लोगों पे एफआईआर हो सकती है कि नहीं, और उन लोगों को मतलब कितना दिनों तक जेल में रहना पड़ सकता है? बिहार बंद में शामिल हुए थे और जो लोग तोड़फोड़ किए थे तो उन लोगों पर यदि पुलिस एफआईआर करती है तो उन लोगों को जेल जाना सुनिश्चित है। पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं, बिहार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए मतलब दोस्त साफ तौर पर इनका कहना है कि जो लोग मनीष कश्यप के समर्थन में आकर सरकार को खिलाफ बोल रहे हैं, न्याय के खिलाफ बोल रहे हैं, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, तो भाई आप लोग संभाल जाइए, इस तरह के बातें मत करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज में। अभी मेरे साथ हैं लॉ के स्टूडेंट जो कोर्ट में लगभग 10 साल से अपना प्रैक्टिस कर रहा है, और इनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो हाल फिलहाल में मनीष कश्यप के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, इस मुकदमा में मनीष कश्यप कितने दिन तक जेल में रह सकते हैं, या सजा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उनको बेल मिल सकता है तो कितने दिनों में बेल मिल सकता है, इन्हीं सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे आज इनसे। सबसे पहले आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये बताइए कि जो अभी मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ है या जो केस चल रहा है उसमें उनको कितना दिन तक की सजा हो सकती है? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जी प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें लगभग जितने भी धाराएं हैं उसमें अलग अलग धाराएं में जो है लगभग 3 साल से लेकर के 5 साल तक सजा हो सकता है। 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है मनीष कश्यप को, अगर होगी तो, और नहीं होगी तो बेल मिल सकता। अच्छा, नहीं होगी तो बेल कितना दिन में मिल सकता है उनको? देखिए, उसमें होता है बेल अलग हो गया और जजमेंट अलग हो गया। तो जजमेंट में आपको हम बता दिए कि लगभग 3 साल से लेकर के 5 साल तक का उसमें सजा का प्रावधान है। अच्छा, अच्छा। एक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से। रही बात जमानत को, जमानत का, तो जमानत लगभग 3 से 3.5 महीना के अंदर में आपको जमानत मनीष कश्यप का हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि किसी भी एक्यूज को जेल में जाने पर, अभियुक्त जब जेल में जाता है तो उसकी पिछली जितनी भी मुकदमे उस पर दर्ज रहती है, प्राथमिकी दर्ज रहती है, उसमें पुलिस करता है क्या कि उसमें से जितने भी केस हैं, पुराना केस अगर जमानत नहीं हुआ है, बेल नहीं हुआ है, तो प्रोटेक्शन ला करके पुराना केस में लगा देता है। यानी कि आपको जो है 3 से 3.5 महीना में अगर जेल मनीष कश्यप को बेल हो भी जाती है उसके बावजूद भी पुलिस अगर तत्परता दिखाती है और प्रोटेक्शन ला करके हर केस में लगा दे रही है तो जो है मनीष कश्यप को ज्यादा दिन जेल में रहना पड़ सकता है। अच्छा, एक बात और है कि हाल फिलहाल में तो उनका रिमांड जो है कस्टडी में रह रहे थे तो वो पूरा हो चुका है, तो क्या फिर पुलिस जो है रिमांड पर ले सकती है? देखिए, वो तो पुलिस जो है आवेदन दाखिल करते ही है, उसका उद्देश्य यही होता है पुलिस का कि किसी भी एक्यूज को गिरफ्तार जो करती है उसको जो है संगीन अपराध करता है, तो अगर न्यायिक हिरासत में उसको जो है लेने के बाद अगर पुलिस उसको ले रही है रिमांड पर, तो उसका एक ही रीजन है, एक ही पर्पस होता है कि किस कोई अनुसंधान ऐसा हो जिसमें एक्यूज को पूछ करके, उससे पूछ करके जानकारी लेकर के उस जांच तक जाया जा सकता है, उस पीरियड में जो है पुलिस रिमांड पर लेती है, दाखिल करती है आवेदन। तो इसमें लगभग पुलिस अपना आवेदन दाखिल की थी न्यायालय द्वारा, लगभग 24 घंटे के लिए रिमांड पर दिया गया था, वो लगभग समय खत्म हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस दे सकती है। अब न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय अगर देखता है कि इसमें लगभग अनुसंधान पूरा हो गया है, अब मनीष कश्यप को जो है रिमांड पर देना उचित नहीं है, तो जो है न्यायालय नहीं दे सकती है। अगर कुछ ऐसा तथ्य है जो अभी पुलिस द्वारा बाकी रह गया है, जाँच नहीं कर पाई है पुलिस, और 24 घंटे के अंदर में कुछ तथ्य न्यायालय के सामने रख रही है कि इतना हमने जाँच किया, तो न्यायालय दे भी सकता है, वो न्यायालय के ऊपर है, वो अनुसंधान को देखते हुए देता है, और देता है भी तो उसमें तमाम तरह का कंडीशन शर्तें भी लगा करके देता है। जैसे कि अभी 24 घंटे के लिए मनीष कश्यप को जो है दिया था रिमांड पर, तो उसमें जो है था कि समय पर खाना देना है,
टॉर्चर नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है, उसी के साथ जो है देता है। और फिर रिमांड वापस करते समय उसका जो है अभियुक्त का जो है मेडिकल होता है, न्यायालय द्वारा उसको जो है पूछा जाता है कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ कि नहीं, मारपीट हुआ कि नहीं। अगर उस पर एक्यूज द्वारा अगर शिकायत भी किया जाता है तो पुलिस पर भी कार्रवाई होती है। अच्छा, तो यानी इनका साफ तौर पर कहना है कि जो रिमांड पूरी हो चुकी है मनीष कश्यप की, तो फिर अगर कहीं पुलिस रिमांड की अर्जी लगाती है तो मिल भी सकता है रिमांड पे, यानी मनीष कश्यप को रिमांड पर पुलिस ले जा सकती है या नहीं भी ले जा सकती है। अच्छा, ये बताइए कि बार बार जब मनीष कश्यप को रिमांड पर पुलिस लेगी तो क्या मनीष कश्यप की परेशानी बढ़ेगी कि नहीं? जी बिल्कुल बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। होता क्या है कि पुलिस अगर रिमांड पर लेती है किसी भी अभियुक्त को, तो केवल उसका एक ही पर्पस होता है कि साक्ष्य को, एविडेंस को न्यायालय में प्रस्तुत करना। अगर वो लेती है तो इसमें जो है वीडियो का मामला है, वीडियो का किसी तरह जो है सल्पिता दिखाएगी, कई संस्थान के नाम आए हैं उससे पूछताछ करेगी, इनका जो है स्वीकृति बयान भी कुछ होता है उस सब का जो है कार्रवाई करेगी पुलिस। तो मिला जुला करके समझिए कि उसमें जो है मनीष कश्यप का जो है परेशानी बढ़ सकती है जब मनीष कश्यप को बार बार यदि पुलिस रिमांड पर लेगी तो। अच्छा, एक बात और है कि जब मनीष कश्यप की रिमांड पूरी हो सकती है, हो जाएगी, ऐसे में पूरी तो हो गई है, अगर फिर दोबारा कहीं पुलिस ले जाती है तो क्या तमिलनाडु वाला पुलिस भी इनको ले जा सकती है? नहीं नहीं, उसका न्यायालय द्वारा ही कार्रवाई होता है उसमें। तमिलनाडु पुलिस ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस से मांगा कि मनीष कश्यप को हमको आप दे दीजिए और लेके तमिलनाडु चला गया, उसका नियम अनुकूल ही होता है। उसमें है कि तमिलनाडु पुलिस को न्यायालय में आवेदन दाखिल करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ भी प्राथमिकी इन पर दर्ज है, जिसमें जो है इनको रिमांड पर लेना अति आवश्यक है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे धाराएँ लगे हैं जिसमें जो है इनका संलिप्तता है, लेकिन जाँच जो है सम्पूर्ण नहीं हो पा रहा है, साँच जो है अनुसंधान अधूरा है, इसको दिया जाए तो न्यायालय उसमें जो है कंडीशन लगाता है, शर्त लगाता है, उस शर्त के अनुकूल जो है लेकर के तमिलनाडु पुलिस जाएगी और समय के अनुकूल ही वापस फिर करेगी। अच्छा, यानी मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं तमिलनाडु वाला पुलिस ले जा सकती है तो थोड़ा बहुत मुश्किलें बढ़ सकती है मनीष कश्यप के फैंस के लिए या उनको चाहने वाले लोगों के लिए। और जो यहाँ पे जो इनका कहना है कि अगर न्यायालय चाहेगी तो भी जा सकते हैं वरना नहीं जा सकते। अच्छा, एक बात और बताइए कि उनके सपोर्ट में बिहार बंद जो 23 तारीख की गई थी यानी आज की गई है, तो ये कहाँ तक सही है न्याय के मतलब कानूनी तौर पर, ये कहाँ तक सही है बिहार को बंद करना? देखिए, बिहार बंद करना वो जो है सही नहीं है, क्योंकि देखिए आप विरोध कर रहे हैं किसी चीज़ को तो उसको नियमन अनुकूल ही कीजिएगा, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप जो है रोड पर टायर जलाना, रोड बंद करना वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ पर जो है जांच हो रहा है तो उसमें आपको इंटरफेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो न्यायालय ही कार्रवाई है। उसमें जो है अगर आप कहीं पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तो उसमें आप पर भी कार्रवाई हो सकती है, पुलिस चाहे तो कार्रवाई हो सकती है। यानी जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो लोग सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, उन लोगों पे FIR हो सकती है कि नहीं, और उन लोगों को मतलब कितना दिनों तक जेल में रहना पड़ सकता है? देखिए, उन पर तो FIR हो सकती है, पुलिस चाह दे तो FIR होना एकदम मस्ट है, कंपलसरी है, होना ही है, और उनको जो है लगभग जेल में रहना ही पड़ेगा। लगभग कितना दिन तक की उन लोगों की सजा हो सकती है? लगभग उसमें भी प्रावधान वही है सेक्शन के हिसाब से। अब होता क्या है, इसमें बहुत सारे जो है प्रदर्शन में हम देखते हैं कि पुलिस से झड़प हो जाती है, कई जगह देखते हैं कि सरकारी कार्यालय को जो है जला दिया जाता है, तोड़फोड़ किया जाता है, तो उस अपराध के हिसाब से आप पर धारा लगेगी, उस धारा के अनुकूल ही आप पर कार्रवाई होगी और सजा होगी। यानी इनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग बिहार बंद में शामिल हुए थे और जो लोग तोड़फोड़ किए थे तो उन लोगों पर यदि पुलिस FIR करती है तो उन लोगों को जेल जाना सुनिश्चित है और उन लोगों को भी सजा हो सकती है। ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि सजा हो ही जाएगी, मगर हो सकती है। कुछ लोग को ऐसा होता है कि सिर्फ माहौल को दबाने के लिए ही उन लोगों को लिया जाता है, थाना में बंद किया जाता है ताकि माहौल जो खराब हो रहा है उसको शांत किया जा सकता है। तो ये सारे बातें थे जो इनका तौर पर आप लोग समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप को कितना दिन में बेल हो सकता है और सजा होगी तो कितना दिन तक हो सकती है, और जो लोग बिहार बंद में शामिल हुए थे उन लोगों को कितना दिन तक की सजा हो सकती है। इन सारी बातों को सर ने बताया। अच्छा, लास्ट में एक बात आप बताने की कोशिश कीजिए कि जो लोग
कानून का विरोध करते हैं, जैसे कि मनीष कश्यप जी एक कानून के दायरे में है और उनसे कानूनी तौर से ही पूछताछ की जा रही है, और लोग बहुत लोग जो है कानून मतलब पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं, बिहार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए मतलब दो शब्द बोलिए जो वो अच्छी मतलब अच्छा से सलूक करें। देखिए वर्णनगल बातें हैं, उस पर जो है लोगों को सोचना चाहिए कि जो चीज़ न्यायालय में चल रहा है, जांच में चल रही है, जांच में क्या निकल के आ रहा है, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जो है थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ है तो वो क्या चीज़ जांच करके दे रहा है, न्यायालय उस पर क्या कर रही है, तो न्यायालय पर हम लोग का भरोसा नहीं है, न्यायालय पर सबसे पहले भरोसा रहना चाहिए। अगर जो है एलिगेशन लगा है मनीष कश्यप पर, न्यायालय में गया है, न्यायालय में जो है बहुत सारे एविडेंस है जो दाखिल करने के पश्चात जो है दोष मुक्त हो सकते हैं, बिल्कुल जो है बेइज्जत बरी हो सकते हैं। कई को है जो हम देखे हैं कि प्रिंट मीडिया में जो है निकला हुआ है, कई वीडियो भी ऐसे हैं जो वायरल हुए हैं उससे पहले, तो उन न्यायालय में दाखिल करने के बाद में जो है दोष मुक्त भी हो सकते हैं। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि जो लोग मनीष कश्यप के समर्थन में आकर सरकार को खिलाफ बोल रहे हैं, न्याय के खिलाफ बोल रहे हैं, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, तो भाई आप लोग संभाल जाइए, इस तरह के बातें मत करने की कोशिश कीजिए। काहे के लिए न्याय पर हम लोगों का विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है, हम लोग पे संविधान पर विश्वास करते हैं, अगर संविधान पर विश्वास नहीं करेंगे तो भाई हम किस पर विश्वास